अजमेर भी हो गया झाड़ू के साथ पीछे गिर जाएगा। ये तो बहुत ही महंगी है। फ्लाइट से निकल रही है और अब जा रहे हैं हम नाश्ता वास्ता करने। इस बात पे कोई बहस नहीं होगी कि आप मैं आया हूँ या मैं नहीं आया। कोई पक्का सब कोई भी नहीं आया अभी। गर्म पानी नहीं था, बोतल नहा लेना चाहिए था, ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अच्छा हम देखते हैं नाश्ता वास्ता करने के बाद फिर कहाँ जाते हैं। कदम पर लाखों हसीनाएं हैं या नहीं? ये सीएनजी में कब से आने लगी स्कॉर्पियो? है क्या ये नेटवर्क जाम आ रहे हैं? तो ऐसा के लिए निकल गए हैं हम। 4 बजे के बाद एंट्री नहीं। हाँ भाई, हाँ क्योंकि फिर टाइमिंग होगा ना, अंदर भी टाइमिंग लगता है। भाई ऑटो एक्सपो क्या पार्किंग में कर रखा है इन्होंने? भाई इतनी तो एक्सपो में नहीं होंगी जितनी पार्किंग में। देख रहा गाड़ी है भाई, बहुत भाई। अंदर जाने भी देंगे या नहीं? सुनो, जाने देंगे, बैलगाड़ी से आए हम। चले रे भैया, मतलब पार्किंग से भी इतना दूर है कि ऑटो से जाना पड़ रहा है ना। इससे सही तो अपने आकर दे जा देना। एंट्रेंस पे आ गए। चलो हॉल नंबर 7 है भाई, बहुत ही रश है। सोनेट की GT लाइन आई है, बहुत सही गाड़ी। तू ग्लासेस क्यों लगा रहा है यहाँ पर, ये बता। दिख रहा है तुझे कुछ? अब देख मेरा फोटो लेना। बदले बदले सेक्सी, ये भी सेक्सी लग रही है। वो 6 है, ये 5 है। पड़ जाए और जब मानने चल रहा है। ये कब हवाल है? ये भी 5 है, ये भी चल रहा है। क्या बस यही करनी थी क्या? 5, 3, 4 गाड़ी है एक साथ ही खड़ी करनी थी। ये कुछ अलग सा लग रहा है भाई। अलकाज़ार है, न्यू कलर है, अब कलर बहुत शानदार है। इतनी भीड़ है यहाँ, क्या चीज़ है? ये मारुति सुजुकी का सेगमेंट है। प्लेनो के बस व्हील्स चेंज कर दिए, एक एडिशन नया एडिशन दे दिया, व्हील्स वगैरह चेंज कर दिए, शाइन से कलर वगैरह चेंज कर दिया बस। इसकी कोटेशन लो, रगड़ जाएंगे मेरे। हमर का बच्चा हुआ है। ये है बलिनो का बड़ा भाई। अब ई का बवाल है, यहाँ ना इतनी लाइव लोकेशन भेजी जा रही होंगी व्हाट्सएप पे, लोग इतने खो रहे होंगे ना, इतना ज़्यादा रशन भेजा। आज बल्कि आज मंडे है, तब नहीं होना चाहिए था इतना, बल्कि संडे में होना चाहिए था, संडे में इतना नहीं था। आज कुछ बहुत ज़्यादा ही है। अब ये खो गए, अब इन्हें ढूंढो। कॉल कर इन्हें, है किधर ये? देखो ये जो भीड़ है ना, मैं देख के ही पहचान गया, ये जिमनी की भीड़ है। अब जुनेर भी हो गया, ये रहे, अब ये रहे, मिल गए। ये वैगनर आ रहा है, समझ में नहीं क्या ये बेटा, पढ़ लो। फॉर्च्यूनर देखेंगे क्या? हाई लुक एक्सट्रीम ऑफ कौन सा? हाँ हाई लुक वो भी तो देखनी है। दिस इज ट्रू लव। टायर देख इसके यार, क्या मैसिव टायर है। एक टायर में तो मज़ा आ जाएंगे, अपने महीने भर का खर्चा निकल जाएगा। ये रियर बन के रोजा हाइड हाइड है। गाड़ी का नाम कुछ भी हो पर गाड़ी अच्छी है। ये भीड़ पता है किसकी है? लैंड क्रूजर भाई, दमदार गाड़ी भाई। एनसी इज लव।
ये तो बहुत ही महंगी है, 2.5 करोड़ के आसपास है। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा। ये भी अच्छी है, टॉयलेट जो भी है। अब कहाँ बढ़िया आएगा टेस्ट, है नहीं? 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह से आ गया यार। नुमान देख झाड़ू उठा, फटाफट सब में 5 मिनट में क्लीन चाहिए मुझे बिल्कुल। चल जल्दी फटाफट आता मिलेगा, इसे कॉन्ट्रैक्ट दो, मुंह मांगे पैसे, मुंह मांगे 5 मिनट में पूरा क्लीन। भाई बहुत बड़ा नहीं होगा 5 मिनट, चलो वैसे वाइट ले ले, वो वैसे झाड़ू के साथ पी जाओ गिर जाएगा। ये टेक्सास की कॉन्सेप्ट कार है, अब इसके लिए शीशे नहीं है। लुक एट हिज व्हील्स, क्या नाइस, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको क्या देखना, देखना तो इसका यार। ये रही रेड ड्यूटी, इसे मैं तो घर चला ही जाएगा अपना। फरारी से ज़्यादा महंगी भाई, ऐसे हम 3-4 मिनट ये रिजी वैगन पोर्शे। वैसे म्यूजिक है ना इसके, इस कार के ऊपर जच रहा है। ये भी टाटा की जो भी डार्क एडिशन है ना, सारे यहाँ पर रहे हो, कितना बढ़िया सजा रखा है। डार्क एडिशन, सफारी डार्क एडिशन, बस और क्या है, कुछ नहीं। चलो भाई, ये तो देखने आना ही था, क्योंकि टाटा को तो यार देखनी चाहिए हमारे इंडिया की। और जैसे जैसे यहाँ पर कार्स है ना टाटा की, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा फील होता है कि हमारे इंडिया की कंपनी इतनी ग्रो कर रही है और इतने अच्छे अच्छे कार्स बना रही है। भाई सुबह से लेकर शाम तक के लिए आपको आना पड़ेगा, और आपको तब भी आप पूरा नहीं घूम पाओगे। बाइक का सेगमेंट और रह गया, बहुत सेगमेंट आप वहाँ नहीं जा रहे हैं, बहुत लेट हो जाएगा। लंच थोड़ा लिटिल लिटिल हुआ है हमारा ही, तो अब जो खाना खाया जाएगा ना आरती ऊपर करके। हाँ भाई 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 बिग फैन भाई भाई बिग फैन भाई भाई बिग फैन भाई सर 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 सेल्फी सर, बहुत ही ज़्यादा है दिखा। हेलो भाई, अभी हम जा रहे हैं पार्किंग और वहाँ से फिर निकलते हैं घर के लिए। हाईवे पर हैं अभी हम लोग, और ये सब लोग थक चुके हैं पूरी तरह। ये रहा नुमान, हेडमास्टर को तो दिखा दो, हेडमास्टर की तो भाई बिल्कुल खराब है हालत। और अभी चाय ब्रेक लेंगे हम लोग एक, क्योंकि थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। इतनी बड़ी एक्सपो थी भाई, अभी भी बहुत काफ़ी चीज़ें रह गई हम लोग की। बाइक वाला एक पूरा सेक्शन रह गया हमारा। सो हम आ चुके हैं घर और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। आपको ब्लॉग पसंद आया तो गिव अ थम्स अप। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।